नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बिना कुकर के ये राजस्थानी बाफला बाटी बनाएंगे। ये बाफला बाटी बिना कुकर के भी इस तरह एकदम परफेक्ट बनेगी और इसी के साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। राजस्थान में ये बाफला बाटी किस किस के साथ खाई जाती है वो भी आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। बाफला बाटी की ये खासियत है कि ऊपर से ये बाफला बाटी थोड़ी कुरकुरी और अंदर से कुछ इस तरह होती है। बाटी के साथ खाया जाने वाला ये मिर्ची का कुट्टा भी बना के तैयार करेंगे। मेथी दाना और हरी मिर्ची का कुट्टा भी बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ये वीडियो जरूर देखें। इस तरह मेथी दानों के साथ ये हरी मिर्ची शादियों में जरूर बनाई जाती है। जब भी कुछ अलग खाने का मन हो तो ये हरी मिर्ची का कुट्टा और ये बाफला बाटी आप जरूर बनाएं। बाफला बाटी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में ये आधा कप सूजी डाल देते हैं। छोटी या बारीक आप कोई भी सूजी ले सकते हैं। बाटी का कलर अच्छा है इसलिए हम यहाँ पर चुटकी भर हल्दी ऐड करेंगे। पहले हम सूजी को भिगोएंगे तो इसलिए हम यहाँ पर उसी कप से एक कप पानी डाल देते हैं। बाटी में सूजी हम इस तरह भिगो के लेंगे तो बाटी में सूजी दिखेगी भी नहीं, सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। अब हम यहाँ पर कप से नाप के ये 2 कप गेहूँ का आटा लेंगे। आटा घर में हम जो रोटी बनाते हैं वही आटा काम में लेंगे। बाटी में हम ये 2 चुटकी अजवाइन भी डालेंगे। अजवाइन को हम इस तरह हाथ में कस करके डाल देते हैं। 1/2 चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया डाल देंगे। धनिया का बाटी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इन सारी चीजों के साथ ये मोइन डालेंगे। मोइन मैंने यहाँ पर चम्मच से 1/2 चम्मच लिया है। मोइन में मैंने घी लिया है, आप तेल भी ले सकते हैं। इसी के साथ हम खाने वाला सोडा डालेंगे। 1/2 चम्मच खाने वाला सोडा भी ऐड कर दिया है। आप इस सोडे की जगह पापड़ खार भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इस मिश्रण को बिना पानी डाले ही मिक्स करेंगे। इसमें 1/2 कप पानी हमने सूजी भिगोते समय ऐड किया था। मिक्स करने के बाद आटा कुछ इस तरह है। अब हम इसमें चुटकी भर ये जीरा भी डाल देते हैं। इसी के साथ हम स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। बाटी में नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम बाटी का डो लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी ऐड करेंगे। आटे में पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एकदम से सारा पानी हमें नहीं लेना है। इसके लिए आटे को हम इस तरह इकट्ठा करते हुए जोड़ लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। रोटी बनाने के लिए आटे को हमें ज़्यादा चिकना नहीं करना है, इस तरह आटे को जोड़ना है। आटे में कुछ इस तरह लेयरें दिख रही हैं तो बाटी में भी लेयर पड़ेगी। इसके लिए हमें इस तरह सख्त आटा लगाना है। आटे को हम 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद आटे को हम चेक कर लेते हैं। बाटी के लिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे हल्के हाथ थोड़ा सा मसल लेंगे। आटे को हमें ज़्यादा देर तक नहीं मसलना है, आटे को जस्ट हमें इकट्ठा कर लेना है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बाउल में घी डाल देते हैं। घी की वजह से ये बाटी हमारी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अब हम इस आटे को 3 भाग में बांट लेते हैं। बाटी की लोइया बनाने के लिए आटा कुछ इस तरह टूट रहा है, आटा हमारा एकदम परफेक्ट है। अब हम आटे को हल्के हाथ इस तरह लोइए का शेप दे देंगे। लेयर वाली बाटी बनाने के लिए हम लोइए के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। लगाने की वजह से बाटी हमारी अंदर से सॉफ्ट भी होगी और बाटी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। लेयरिंग वाली बाफला बाटी बनाने के लिए आटे को हम इस तरह जोड़ लेते हैं। अब हम इस आटे के ऊपर थोड़ा सा घी और लगाएंगे। आटे के ऊपर हमें इस तरह 3 से 4 बार घी लगाते हुए आटे को जोड़ लेना है। इस प्रोसेस की वजह से बाटी में बहुत ही बढ़िया लेयरिंग आएगी। जब भी बाटी खाने का मन हो तो बिना कुकर के ये बाटी बनाना बहुत ही आसान है। अब हम इस बाफले को हल्के से चपटा करके अच्छे से शेप देंगे। इस तरह बहुत ही परफेक्ट ये बाफला बन गया है। अब हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह हम तीनों बाफले तैयार कर लेंगे। अब हम बाफले को भाप में पकाने के लिए एक भगोना लेंगे। भगोने में 1 लीटर पानी डाल देते हैं। आप कोई मोटे तले की कढ़ाई भी काम में ले सकते हैं। आज ये ढोकले में पानी में नहीं उबालूंगी, इन्हें मैं इस तरह छन्नी में रख के भाप में पकाऊंगी। छन्नी के थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। आपके पास यदि इस तरह की छन्नी ना हो तो आप भगोने के अंदर 3-4 कटोरियां रख के भी बाफले को इस तरह भाप में पका सकते हैं। वैसे इन बाफलों को सीधा पानी में भी बॉईल करके ले सकते हैं, पर पानी में बॉईल करने की वजह से बाफले वापस फ्राई करने में भी टाइम लगता है। तो हम टोकरी में इस तरह ये बाफले रख देंगे। आप यदि बाफला बाटी ज्यादा बना रहे हैं तो आप इस टोकरी के अंदर 2-3 कटोरियां रख के भी बाफलों को भाप में पका सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस के पास। गैस पे भगोना रख के भगोने के ऊपर मैंने ये ढक्कन लगा दिया है। अब हम इसे पकने के लिए 10 से 12 मिनट तक तेज आंच पे पकने देंगे। 12 मिनट बाद हम बाफलों को चेक कर लेते हैं। ये बाफले हमारे फूल के डबल साइज में हो गए हैं। अब हम इनमें एक चाकू डाल के चेक कर लेते हैं। चाकू हमारा एकदम साफ है, यानी कि बाफले हमारे एकदम परफेक्ट बने हैं। यदि चाकू में थोड़ा सा आटा लगे तो आप इन्हें 1-2 मिनट और पका सकते हैं।
अब हम गैस बंद करके बाफलों को ठंडा होने के बाद निकालेंगे। आप चाहे तो इस तरह गर्मा गर्म बाफले में घी डाल के भी सर्व कर सकते हैं, पर आज हम इनकी बाफला बाटी बनाएंगे। तो बाफला बाटी के लिए बाफले हमारे एकदम बढ़िया भाप में पक गए हैं। बाफलों को हम पीस में कट करके इन्हें फ्राई करने के लिए काट लेते हैं। इस तरह बहुत ही आसानी से कट रहे हैं, बाफले हमारे बहुत ही बढ़िया बने हैं। भाप में पकाने की वजह से बाफले बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हैं। इन बाफलों में कुछ इस तरह से लेयरिंग भी आई है। अब हम बाफले के इस तरह 4 पीस कर लेंगे। आप चाहे तो इसके 6 पीस भी कर सकते हैं। आप मेरे इस तरीके से जब भी बाफले बनाएंगे तो आपके बाफले भी इस तरह बहुत ही बढ़िया और लेयरिंग वाले बनेंगे। ये सारे बाफले हमने कट करके ले लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस के पास। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के हमने यहाँ पर घी डाल दिया है। आप चाहे तो तेल में भी फ्राई करके ले सकते हैं, पर मैं आज इन्हें घी में फ्राई करूंगी। बाटी में घी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। घी अच्छा गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 5-6 बाटी डाल देते हैं। हमने ये बाफले भाप में पकाए हैं, तो भाप में पकाने की वजह से बाफले फ्राई करते समय घी भी कम जलता है। बहुत ही कम समय में ये बाफला बाटी फ्राई हो जाती है। बाफला बाटी को मैंने 1-2 मिनट तक इस तरह फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें पलट लेंगे। इन बाफलों को हमें अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेना है। ये बाटी फ्राई करते समय गैस की आंच मैंने हाई टू मीडियम रखी है। इस तरह बाटी का हल्का कलर भी चेंज हो गया है। बाटी को हम थोड़ी देर और पकाएंगे। ये बाटी ऊपर से हल्की कुरकुरी होती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है। जब भी आपको राजस्थानी दाल बाटी खाने का मन हो तो आप इस तरह ये बाफला बाटी बना के तैयार कर सकते हैं। ये राजस्थानी बाफला बाटी और मिर्ची का कूटे की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह की और आने वाली नई नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुरकुरी बाफला बाटी हमने फ्राई कर लिए हैं, अब हम इन्हें निकालेंगे। बाटी में लेयरिंग और कलर बहुत ही बढ़िया आया है। इस तरह हमने ये बाटी अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, अब हम इन्हें निकालेंगे एक प्लेट में। बाटी हमारी बहुत ही कुरकुरी बनी है। गैस की आंच तेज करके घी को वापस गर्म कर लेते हैं। गर्म घी में हम ये बची हुई बाटी भी डाल देते हैं। आपको यदि बिना सूजी डाले ये बाफला बाटी बनानी है तो आप गेहूं के आटे को थोड़ा कुरकुरा पीस के ही काम में लें। उसी तरह अलट पलट करते हुए ये बाफला बाटी भी फ्राई हो गई है। इसी तरह हमने सारी बाटी फ्राई कर ली है। आप इस पारंपरिक तरीके से ये बाफला बाटी जरूर ट्राई करें। इस लेयरिंग वाली बाफला बाटी के ऊपर आप घी डाल के इसे आप दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बाटी हरी मिर्ची के कूटे के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम ये कूटा भी बना लेते हैं। कूटा बनाने के लिए हम यहाँ पर मोटी वाली ये हरी मिर्ची लेंगे। 10-12 मैंने ये मिर्ची ले ली है। मोटी वाली हरी मिर्ची ज्यादा तीखी भी नहीं होती है। पहले हम सारी मिर्चियों के डंठल तोड़ लेते हैं। आप इन हरी मिर्ची की जगह इस तरह लाल मिर्ची का भी कूटा बना के तैयार कर सकते हैं। और इस लाल मिर्ची के साथ इन कच्चे वाले टमाटर की भी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। कूटा बनाने के लिए मिर्ची को हम पहले इस तरह सीजर की सहायता से मोटे मोटे पीस में काट लेंगे। इस तरीके से मिर्ची काटने की वजह से हाथों में मिर्ची भी नहीं लगेगी। मिर्ची तो हमने इस तरह काट ली है। मिर्ची को हम और बारीक करेंगे। और बारीक करने के लिए हम इस तरह किनारे वाली ये गिलास लेंगे। इस तरह इस गिलास से ये मिर्ची ना तो ज्यादा मोटी रहेगी ना ही ज्यादा बारीक होगी। मिर्ची हमारी कूटे के लिए एकदम परफेक्ट तैयार होगी। आप चाहे तो मिर्ची को कूट के या फिर चॉपर में चॉप करके भी कूटा बना सकते हैं। यदि मिर्ची ज्यादा तीखी हो तो थोड़ा सा हाथों में तेल लगा के आप मिर्ची काट सकते हैं। कूटे के लिए हमें इसी तरह की मिर्ची तैयार करनी है। तो मिर्ची हमारी एकदम परफेक्ट है। अब हम इस तरह जारे की सहायता से मिर्ची में से ज्यादातर बीज निकाल लेंगे। मिर्ची ज्यादा तीखी हो तो आप इसे धो के भी काम में ले सकते हैं। इस मिर्ची का कूटा आप 10-15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम कूटे में थोड़ी सी अदरक लेंगे। अदरक के साथ ही हम ये छीली हुई लहसुन भी काम में लेंगे। यहाँ पर लहसुन मैंने 10-15 कलियां ली हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से लहसुन कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मिर्ची का ये मेथी वाला कूटा बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर चम्मच से नाप के 2-3 चम्मच यहाँ पर मेथी दाना लेंगे। मेथी दाना की वजह से ये मिर्ची हमारी बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी और एकदम बढ़िया बनेगी। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब हम कूटे के लिए इन मेथी दानों को उबालेंगे। ये मेथी दाना हमें कितना उबालना है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। कूटा बनाने से पहले हम मेथी दाना को बॉईल करके लेंगे। गैस जला के पानी में उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आ गए हैं, यानी कि मेथी दाना हमारे हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे।
लीची का कुटा बनाने के लिए हम कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम यहाँ पर तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा और राई भी डाल देते हैं। तड़के में राई का भी अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम थोड़ी सी हींग भी डाल देते हैं। इस समय गैस की आंच मैंने लो कर दी है। अब हम यहाँ पर 1/2 चम्मच ये हल्दी डाल देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कूटी हुई अदरक और लहसुन भी डाल देंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन निकलने के बाद हम यहाँ पर ये मिर्ची भी ऐड कर देंगे। इस तरह से आप जब कुट्टा बनाएंगे तो कुट्टे का स्वाद भुला नहीं पाएंगे, बहुत ही बढ़िया कुट्टा बन के तैयार होगा। हम यहाँ पर मिर्ची में कुछ एक मसाले और ऐड करेंगे। अदरक कुटा हुआ हरा धनिया 1/2 चम्मच डाल दिया है। इसी के साथ हम थोड़ी सी अमचूर पाउडर भी डाल देंगे। मेथी दाना हमने पहले उबाल के रख दिए थे। मेथी दाना को हम इस तरह छन्नी से छान के ले लेंगे। मिर्ची में आप जब भी मेथी दाना ऐड करें तो इस तरह पानी निकाल के ही ऐड करें। मिर्ची में मेथी दाना हमें ज़्यादा पके हुए नहीं लेना है, नहीं तो हमारी मिर्ची कड़वी भी हो सकती है। ये मेथी हमारी एकदम परफेक्ट उबली है। अब हम इस मिर्ची के आताने में ये स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। सारी चीज़ें मिर्ची के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्ची को हम ढक के पकाएंगे तो हम यहाँ पर ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट बाद मिर्ची को हम चेक कर लेते हैं। मिर्ची हमारी अच्छे से पक गई है, साइड में तेल भी छोड़ने लगी है और इस मिर्ची के कुटे की खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। ये राजस्थानी मिर्ची का अथाणा बन के तैयार हो गए हैं। अब हम गैस बंद करके बाउल में ये मिर्ची निकाल लेंगे। मिर्ची बनाते समय तड़के में आप थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालेंगे तो मिर्ची आपकी महीने भर तक खराब भी नहीं होगी और जब मन हो आप बाटी और ये कुट्टा खा सकते हैं। ये बाफला बाटी हमारी बहुत ही बढ़िया बनी है। गर्मा गर्म बाटी को हम इस तरह चूर लेंगे। आप ये बाफला बाटी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइए। दाल के साथ बाटी को चूर के ऊपर से घी डाल के ही सर्व करें, इससे बाटी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। बाटी में घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर गर्मा गर्म दाल भी डाल देते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी।